चंपाई सरकार की नई टीम तैयार है। चंपाई सोरेन के कैबिनेट विस्तार में 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उनके साथ ही रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, हफिजुल हसन और बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब करीब वही कैबिनेट बरकरार रखा गया है। दो नए चेहरे कैबिनेट में देखने को मिलेंगे। तो हफिजुल हसन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जुट रहे और ये दिखला दिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड में यहाँ कांग्रेस और राजद जो गठबंधन है वो एक साथ चट्टानी एकता के साथ आगे भी चलेगा और चल रहा है और इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। सर, एक चीज आरोप लगा रही है कि इस बार अनुसूचित इससे नहीं रखा, SC ST से नहीं रखा गया है। अच्छा, उसका बाद में हम बताएंगे। अच्छा सर, एक चीज, क्योंकि दूसरी बार आपने मंत्री पद का शपथ लिया है, हाजी साहब को कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक खास दिन है आज। वो तो दिन सही है, आज तो अब्बा मेरे उन्हीं के चलते आज हम मंत्री बने हैं, आप लोग सब जान रहे हैं। लेकिन आज हेमंत बाबू नहीं हम लोग के साथ हैं तो उनका भी दुख है, बहुत हेमंत बाबू का भी दुख है। आगे कैसे लेकर चलेंगे, कितनी बड़ी बस जो दिशा निर्देश हम लोग को मिलेगा, पार्टी आला कमान गुरु जी का आशीर्वाद लेके हम लोग चले हैं। आज भी हम गए थे गुरु जी के पास, कल्पना सोरेन जी के पास, और जो पार्टी हम लोग को निर्देश देगा, एक एक कार्यकर्ता चाहे वो मंत्री हो, MLA हो, चाहे पंचायत का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता कल से सब रोड पर आएगा और पुरजोर विरोध किया जाएगा केंद्र सरकार। अच्छा सर, सरकार महागठबंधन की, लेकिन कांग्रेस अपने अंदर नाराज नजर आ रहा है, कैसे उन लोगों को लेकर आगे चलेंगे कि सरकार सब सब साथ में चलेगा, सब साथ चलेगा, कुछ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप लोग कीजिएगा, आप लोग तिल का ताड़ बनाइएगा अलग बात, लेकिन हम लोग तो हफिजुल हसन को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने दर्शा दिया है एकजुटता और दिशोम गुरु के नेतृत्व में हेमंत सोरेन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और प्रतिक्रिया आ रही है, सुनते हैं। हर कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक बाद में है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के प्रति वफादार होते हैं, पार्टी के प्रति निष्ठावान होते हैं और अनुशासन में रहते हैं। देखिए, नाराजगी आपके अंदर में है, उसको प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। हम लोगों ने इच्छा जाहिर किया है कि हमारे आला कमान हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, हमारे जो संगठन को देखने वाले वेणुगोपाल जी हैं, राहुल जी हैं, इन तमाम जाएंगे, राजेश जी निश्चित तौर से जाएंगे और अपनी भावना से अवगत कराएंगे। ये सिर्फ एक संकेत था कि हमारे भी भावनाओं का कदर किया जाए, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे क्षेत्र का भी ध्यान दिया जाए, बस यही एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपनी टीम का विस्तार किया है और आज हम लोगों ने शपथ लिया है, बहुत जल्दी जिम्मेदारियां भी मिलेगी और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जो कदम आगे बढ़ाया था उस पर हम तेजी से काम करेंगे और झारखंड की जनता ने जो हम पर भरोसा 2019 में जताया था उस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का हमारा हम पूरी टीम भावना के साथ काम करके और जनता के घरों तक पहुंचेंगे। ये एक 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 देखिए, हम मोटरसाइकिल में घूमने वाला व्यक्ति, एक दलित का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा को हमारे परमेश्वर ईश्वर आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने टिकट देकर जुगसलाई विधानसभा का सेवक बनाने का काम किया, ऐसे कोई बात नहीं है। ये गलत विपक्ष का काम है गलत बोलना, वो बोलते रहेंगे। तो चलिए, कांग्रेस की ओर से अब विधायक खुद कह रहे हैं कि ये विपक्ष का काम है, वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो कुछ विधायक ये भी कहते सुने गए कि ये संकेत मात्र है, हमने अपनी भावना से संगठन नेतृत्व को अवगत करा दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि समस्याएं अभी चंपाई सोरेन सरकार के लिए खत्म नहीं हुई है, बल्कि गठबंधन में चल रही हलचल का असर सरकार पर भी पड़ सकता है। समझने का प्रयास करेंगे परिस्थितियों को, एक बार फिर रांची का रुख करेंगे।
चलिए तो हम आपको बता दें, हम सीधे रांची का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ झारखंड एडिटर अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं। अनुराग, परिस्थितियां अभी ठीक ठाक होती दिख रही थी, लेकिन एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जी दीपक, बिल्कुल, परिस्थितियां परसों तक ठीक ठाक नजर आ रही थी, लेकिन कल से ही ये नया बखेड़ा हम देख रहे हैं, क्योंकि कल जब कांग्रेस के जितने नाराज विधायक थे, कांग्रेस प्रभारी जो हैं उन गुलाम अहमद मीर से मिलने पहुंचते हैं और उनसे बात करते हैं। अनुराग बने रही है हमारे साथ, महुआ मांझी की प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार उनको सुनते हैं। कोविड के बावजूद बस उसमें जो अधूरे काम है, तमाम मंत्रिमंडल के लोग अभी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन कार्यों को पूरा करे इस राज्य के हित में, और वो करेगी ये मंत्रिमंडल। मैम, इस बार अनुसूचित जाति मोर्चा ये एससी एसटी के नहीं रहे हैं मंत्रिमंडल में, तो इस पर विपक्ष सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो इस पर अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी इस पर कोई बातचीत हुई नहीं है, निश्चित रूप से रास्ता निकाला जाएगा। हाँ, वैद्यनाथ राम के बारे में मैं अभी इस बारे में नहीं बोल सकती, क्योंकि ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। धन्यवाद। तो महुआ मांझी, सांसद महुआ मांझी थी, राज्यसभा सांसद, और देखिए कैबिनेट का विस्तार तो हो चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि जो नाराज चल रहे हैं उन्हें कैसे मनाया जाएगा, और खास करके जो बातें सामने आ रही हैं कि अनुसूचित जाति मोर्चा या अनुसूचित जनजाति मोर्चा से एक भी मंत्री नहीं रहे हैं। देखिए, ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि बैजनाथ राम को राजभवन से न्योता आया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मंत्री मंडल में यानी कि मंत्री पद की शपथ नहीं ली, 12वें मंत्री के रूप में उनका नाम आ रहा था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही बताएंगे। कैमरा बिल्कुल रुचि, हम फिर आपके पास लौटेंगे। अनुराग के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनुराग, परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे थे हम, बताइए। जी दीपक, बिल्कुल, जिस तरीके से, हालांकि अगर हम परसों तक बात करें तो परसों तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, सब कुछ अंडर कंट्रोल था, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल से ही जो कयासों का बाजार था वो गर्म होता दिख रहा था, क्योंकि कल तमाम जब ये सामने आया कि जो पुराने मंत्री हैं उन्हें ही रिपीट किया जाएगा, तो उसके बाद जो कांग्रेस कोटे के विधायक थे वो सब नाराज हो गए, और वही अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वो गुलाम अहमद मीर से मिलने, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मिलने उनके पास पहुंच गए। उसमें बेरमो विधायक अनूप सिंह, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, सभी लोग उसमें मौजूद थे। तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की कि जब ये कहा गया था कि पुराने लोगों को रिपीट नहीं किया जाएगा और नए लोगों को मौका दिया जाएगा, तो उसके बाद ऐसी क्या जरूरत आ, उसके बाद नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि आज तमाम विधायकों ने, नाराज विधायकों ने अपने आप को सर्किट हाउस के कमरा नंबर 107 में बंद कर लिया, और सभी कहने लग गए कि हम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने नहीं जाएंगे। और अभी उसके बाद गुलाम अहमद मीर और आलमगीर आलम खुद पहुंचते हैं सर्किट हाउस और तमाम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इस तरीके से ना करें, आगे विचार किया जाएगा, अभी जो शपथ ग्रहण समारोह है जिस तरीके से ये बनाया गया तमाम चीजें उसमें हमारा साथ दें, आगे हम आपके साथ बैठ के आपकी जो भी शिकायतें हैं उनको सुनेंगे और उसका समाधान निकाला जाएगा। उसके बाद किसी तरीके से समझा बुझा के तमाम कांग्रेस विधायकों को समझाया गया, हालांकि वो शपथ ग्रहण समारोह में आए, लेकिन जब वो बाहर निकले तो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर निकल के, कोई रुकने को तैयार नहीं था, किसी ने मीडिया से बात नहीं की जो भी नाराज विधायक थे। हालांकि इरफान अंसारी ने तमाम कई मीडिया कर्मियों को खुद से व्हाट्सएप मैसेजेस किया है कि ये जो हो रहा है झारखंड में ये सही नहीं है और इसके विरोध में ये लोग दिल्ली भी जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस विधायकों का कि हमने अपनी नाराजगी जहां पहुंचानी थी वहां पहुंचा दिया है, आगे जो भी वो सब मिलजुल कर बनाएंगे, पार्टी हमारी है, लेकिन हमें भी पार्टी से काफी उम्मीद थी और उम्मीदें इसलिए थी क्योंकि हमें कहा गया था कि अब नए चेहरों को भी मौका मिलेगा इस मंत्रिमंडल में। इसी के तहत इन कई लोगों को, चार लोगों को कमिटमेंट किया गया था कि आप हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि परसों से ही ये तमाम नाम चेंज होने लग गए और फिर जी देखा भी वही था, लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली बात थी कि 12वें मंत्री के तौर पे जो पद था वो खाली रहा, बैजनाथ राम का नाम लिस्ट में नाम भी था, उन्हें राजभवन से बुलावा भी था, शपथ ग्रहण समारोह में उसके बाद भी उन्हें
शपथ ग्रहण समारोह में, उसके बाद भी उन्हें शपथ नहीं लिया उन्होंने जो अंदर, और हालांकि वो अपने परिवार के साथ अंदर राजभवन में मौजूद थे, लातेहार से वो विधायक हैं, सुबह से ही उनके क्षेत्र में उनके जो समर्थक थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, वो खुशी में मिठाई बांट रहे थे, लेकिन शाम होते होते तक बैजनाथ राम मंत्री नहीं बन पाए और उन्होंने शपथ नहीं ली। तो ये एक बारवा जो पद मंत्री पद था उसे खाली रखा गया है। अब इसमें आगे जेएमएम या कांग्रेस कौन से कोटे से मंत्री आते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो बैजनाथ राम थे जो रेस में आगे चल रहे थे, जिन्हें जिनका नाम भी शामिल था उस लिस्ट में, उन्होंने शपथ नहीं लिया। अब क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, तमाम चीजें हो गई है, रही के बाद पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि 99% संभावना यही है कि जो पुराने पोर्टफोलियो थे, जो पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, उनके पास वही पोर्टफोलियो रहेंगे। और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कई विभाग थे, उन विभागों में कुछ बंटवारा होगा और कुछ विभागों का बंटवारा होगा, लेकिन जिन मंत्रियों ने कंटिन्यू किया है जैसे बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता, तो हो सकता है उनका मंत्रिमंडल भी वही, उनका जो मंत्री पद है, उनका जो विभाग है वो भी वही रहेगा, और जो नए लोग शपथ लिए हैं दीपक बिरुवा और बसंत सोरेन, उन्हें नए विभाग दिए जाएंगे। अनुराग, अब चुनौती चंपाई सोरेन के समक्ष ये होगी कि सरकार किस तरह से कामों को गति दे, क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में सरकार के काम काज, सरकार के निर्णय जनता के बीच एक संदेश देने का भी काम करते हैं। जी बिल्कुल, चंपाई सोरेन के लिए काफी चुनौती भरा यह पल है, क्योंकि जब से एक तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद वो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार बहुत पहले हो जाता दीपक, लेकिन कांग्रेस के खेमे से ये नामों पे जो अंतिम मोहर लगना था वो नहीं हो पाया था, जिस वजह से ये इतना लंबा खिंच गया। उसके बाद भी लोग नाखुश है, विधायकों में नाराजगी है, तो ये काफी बड़ा चैलेंज होगा चंपई सोरेन के साथ। चलिए, तो कहीं ये सरकार में शामिल संगठन में जो हलचल है उसका प्रभाव सरकार के कामकाज पर ना पड़े, ये भी सुनिश्चित करना चंपई सोरेन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। तो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जिन कामों को शुरू किया गया, जिन कामों को गति मिली, उनकी गति और बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। समय चुनावी है, काम ज्यादा है, देखते हैं चंपाई सोरेन सरकार आगे क्या कदम उठाती है। हमारी नजर बनी रहेगी हर हलचल पर। फिलहाल अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारी